भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में मुंह दिखाने के लिए और क्या करेगी। एक किसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। आज कुछ कहने की जरूरत नहीं, दूध का दूध पानी का पानी आपके सामने। समझ लीजिए कि एक बुरा सपना आया था, जैसे कहा गया सपना चला गया, आज पूरा परिवार एकजुट है। हम कल ही उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी साथ का साथ भारतीय जनता पार्टी और हमारे सहयोगी दल के रूप में हम निश्चित रूप से रखेंगे। नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। 11 बजे की बड़ी खबर यही है, क्या राजस्थान में कांग्रेस का रण अभी बाकी है। राजस्थान में आज का दिन दिलचस्प होने वाला है। आज से सदन के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है। कांग्रेस ने कहा कि वो सदन में विश्वास प्रस्ताव लाएगी, जबकि बीजेपी ने अविश्वास प्रस्ताव की बात कही है। अब खबरों के मुताबिक कार्यवाही का फैसला स्पीकर लेंगे। बीएसपी ने अपने 6 विधायकों के लिए व्हिप जारी किया है और विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोट करने के निर्देश दिए हैं। इन सब के बीच कल राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत सरकार में चल रहे सियासी संकट का अंत हो गया है, लेकिन शीर्ष स्तर पर कड़वाहट अभी भी दिख रही है। बागी तेवर दिखाने वाले सचिन पायलट के साथ मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि वो 19 विधायकों के बिना भी बहुमत साबित कर देते। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि राजस्थान में किसके साथ विश्वास, किस पर अविश्वास, इसी को हम आपको हर एक जानकारी इस खबर के बाबत बताएंगे। अंकित तिवारी जयपुर से मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, पहली बात तो ये कि आखिरकार सत्र की शुरुआत हो रही है, मॉनसून सत्र का आज दिन है, पहला दिन है, उसकी शुरुआत होगी और नेताओं का पहुंचना शुरू हो चुका है, विधायकों का पहुंचना शुरू हो चुका है, लेकिन आज बहुत दिलचस्प होने वाला है आज का दिन। सबसे पहले आज क्या क्या संभावना है, क्या क्या होना है, इसके बारे में आप विस्तार से बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले दर्शकों को अपडेट दे दूं कि विश्वास मत कांग्रेस ला रही है, प्रस्ताव दे दिया गया है। जो प्रमिल माथुर है विधानसभा सचिव, उनको मुख्य सचेतक महेश जोशी ने प्रस्ताव दिया है। विधानसभा की में पहले दिन ही विश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। कांग्रेस पहले ही इसे बता चुकी थी, अंदेशा था। हालांकि भाजपा कल कह रही थी कि अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, लेकिन वो सचिव से तो मिले, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव उन्होंने नहीं दिया, यानी कि भाजपा पहले दिन से बैकफुट पर है, वो अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। और मानसून सत्र की बात करें तो अभी जयपुर में हालात बाढ़ जैसे हैं, यानी कि मानसून सत्र के पहले दिन ही बारिश जबरदस्त हो रही है और विधानसभा में अधिकतर विधायक पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं, सचिन पायलट पहुंच चुके हैं और तमाम विधायक और मंत्री वहां पर मौजूद है। आज का सत्र हंगामेदार रहेगा, कुछ कुर्सियां लगाई गई हैं जिन्हें बांधा गया है, यानी कि चैन और लॉक लगाया गया है उन पर, ताकि अगर हंगामा हो तो विधायक, कई विधानसभाओं में हमने देखा है जहां पर हंगामे की में कुर्सियां उठी हैं। देश की बात करें या विदेश की भी बात करें तो कई बार ऐसी तस्वीरें आई हैं। ऐसे में एहतियातन विधानसभा प्रशासन ने जो कोरोना संक्रमण के प्रभाव को देखते हुए और राज्यपाल के दिशा निर्देशों और गाइडलाइन को देखते हुए अतिरिक्त चेयर्स लगाई हैं, लेकिन उन्हें बांधा गया है, तो जाहिर है अगर वहां पे हंगामे की स्थिति बनती हैरान करने वाली बात तो कोशिश ये रहेगी। अंकित, हैरानी हास्यास्पद जितनी है ना ये बात, उतनी ही हैरान करने वाली भी है। ब्रह्म प्रकाश दुबे मेरे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ हैं। ब्रह्म प्रकाश, अंकित बता रहे हैं कि विधानसभा में कुछ कुर्सियां ऐसी भी लगाई गई हैं जिन्हें चेन लगाकर बांधा गया है, उन्हें लॉक किया गया है। अब आप सोचिए कि ये डिसिप्लिन की जब हम बात करते हैं, अनुशासन की हम बात करते हैं, क्या ये विधायक क्लास के छोटे बच्चे हैं जिन्हें इस तरह से समझाया जाए, जिन्हें इस तरह से रोका जाएगा, क्योंकि हंगामे के आसार हैं तो कुर्सियां उठाकर फेंकना ना शुरू कर दें, इसलिए उन्हें बांध दिया गया है। बिल्कुल, और इसको आप इस तरह से भी कह सकती हैं, क्योंकि सरकार को भरोसा नहीं है कि जो रूलिंग पार्टी है उनके विधायक या कहीं बीच में हंगामा ना करें, क्योंकि देखिए जिस तरह से कांग्रेस का पॉलिटिकल ड्रामा चलता रहा है, उसके बाद तकरीबन एक महीने के बाद समझौता हुआ और फिलहाल सरकार तो बच गई, लेकिन माना यह जा रहा है कि जो अशोक गहलोत के जो समर्थक विधायक थे वो कहीं ना कहीं सचिन पायलट की वापसी को लेकर अशोक गहलोत से नाराज हो सकते हैं, एक इस तरफ की खबर है। दूसरी तरफ ये इस तरह की कल खबरें आई कि सचिन पायलट अभी भले ही खामोश हो गए हों, लेकिन पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। आगे देखना होगा कि पार्टी
उनको किस तरह से संतुष्ट करती है, पार्टी में किस तरह का उनकी उनको भूमिका देती है, उस पर सारी चीजें निर्भर करेंगी। लेकिन जहां तक विधानसभा के सत्र की बात है तो जाहिर तौर पर जिस तरह की आज स्थिति है, सरकार भले ही बच गई हो, बीजेपी भले ही अविश्वास प्रस्ताव ना ला रही हो, लेकिन लगता यही है, सरकार को यही लगता है, इस तरह से लगता है कि न सिर्फ सत्ता पार्टी के बल्कि विपक्षी पार्टी के भी विधायक हो सकता है, इस पॉलिटिकल स्थिति को लेकर कुछ हंगामा करें। यही वजह है कि विधानसभा में जैसा अंकित बता रहे हैं कि आगे बढ़ूं, उससे पहले बीजेपी और कांग्रेस ने क्या कहा है, क्या प्रतिक्रिया है वो सुनवा देते हैं। और सरकार की मंशा क्या है उसको भी मापेंगे, उसके बाद ही फैसला करेंगे। लेकिन ये तय है कि भले ही सरकार ने अपनी दिखावटी एकता कर ली हो, तो बड़े बड़े दावे किए हों, पर वो जो बिगड़ा हुआ है उसकी भरपाई राजस्थान की जनता के समक्ष कैसे होगी, ये यक्ष प्रश्न है। देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में मुंह दिखाने के लिए और क्या करेगी। एक किसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। सत्र बुलाया है, बड़ी मुश्किल से सत्र बुलाया है, और भारतीय जनता पार्टी वहाँ क्या करेगी। एक अविश्वास प्रस्ताव ही ला सकती है, उसके कोई मायने नहीं है। तो आप देखिए कि राजस्थान की राजनीति में इतना ऊहापोह के बाद, और मॉनसून सत्र का पहला दिन हो और पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप ना लगे, तो ये तो हम भी उम्मीद नहीं करते। लेकिन अंकित, आज बहुत महत्वपूर्ण होगा बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए और बीएसपी के लिए, जिसने वेब जारी किया है। बिल्कुल, बीएसपी की बात करें तो बीएसपी के विधायकों ने कहा है कि व्हिप विधायक दल का नेता जारी करता है, ऐसे में ये जो व्हिप जारी हुआ है उसकी पालना करना जरूरी नहीं है। लेकिन बसपा पहले ही घोषित कर चुकी है कि उन पर कार्रवाई जो दल बदल कानून है उसके तहत होगी। इस बीच एक और अपडेट दे दूं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट किया है, इसमें उन्होंने लिखा है, एज द लेजिस्लेटिव असेंबली सेशन बींग टूडे, इट वुड बी विक्ट्री ऑफ द पीपल ऑफ राजस्थान एंड द यूनिटी ऑफ द कांग्रेस एमएलएज, यानी कि एकता बताई है उन्होंने कांग्रेस के विधायकों की, और यह जीत राजस्थान की जनता को समर्पित किया है। उन्होंने कहा है कि इट वुड बी ए विक्ट्री ऑफ ट्रुथ, यानी कि सत्य की जय हुई, और अंत में उन्होंने लिखा है सत्यमेव जयते, और जाहिर है सत्यमेव जयते का उपयोग कांग्रेस के अशोक गहलोत समर्थित विधायक भी करते रहे हैं, सचिन पायलट भी करता रहा है, और खासतौर एकजुटता की बात पर भी इसलिए सवाल उठ रहे हैं क्योंकि हमने कल अशोक गहलोत का बयान सुना था। अच्छा, ये सेशन की लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, विधानसभा मॉनसून सत्र का पहला दिन और ये लाइव तस्वीरें इस वक्त जी न्यूज पर आप देखेंगे। विधायकों का पहुंचना शुरू हो चुका है, ये बताया जा रहा है कि आज मॉनसून सत्र का पहला दिन है और बारिश बहुत ज्यादा है वहां पर, तो ऐसे भी अभी कम से भीगते हुए भी विधायक कुछ पहुंचे हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, मास्क पहने भी आपको विधायक नजर आ रहे होंगे, और चेयर्स बहुत दूरी पर है, लेकिन कुर्सियों को बांधा गया है, कुर्सियों को जंजीरों से बांधा गया है। आप लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के सचेतक भी रहे, श्री जोगी छत्तीसगढ़ विधानसभा के भी सदस्य रहे, समाज सेवा को समर्पित रहे, श्री जोगी वर्ष 2000 में गठित छत्तीसगढ़ राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के रूप में भी आपने दीर्घ अवधि तक अपनी सेवाएं दी, इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबंध रहे, श्री जोगी ने पार्टी के राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न पदों की जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन किया। तो सत्र शुरू हो चुका है, अंकित लगातार मेरे साथ बने हुए हैं, ब्रह्म प्रकाश दुबे को भी आप देख रहे हैं। ब्रह्म प्रकाश दुबे, अंकित एकजुटता की बात कर रहे थे, कल तो अशोक गहलोत ये कहते हुए नजर आए कि अगर बागी विधायक नहीं भी साथ होते तो भी अपना बहुमत वो साबित कर देते, वो 19 विधायक जो पायलट गुट के हैं। देखिए, स्थिति यह है कि सचिन पायलट माना यह गया है कि इसी तर्ज पर वापस हुए हैं। एक तो ये कि इस तरह की परिस्थिति उनको नहीं लग रही थी कि अगर वो छोड़कर पार्टी जाते हैं तो सरकार गिरने की स्थिति में है, लेकिन जो वापसी उनकी हुई है, उनको ये भरोसा दिया गया है कि उनको एडजस्ट किया जाएगा। तो सारी स्थिति इस बात पर निर्भर करेगी आगे कि राजस्थान में गहलोत सरकार कितनी आगे चलेगी, कि सचिन पायलट गुट कितना खामोश रहता है, सचिन पायलट को पार्टी किस तरह से एडजस्ट करती है। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जो मतभेद है ना, ये कोई नई बात नहीं थी, जब से सरकार बनी तब भी सामने आया, लेकिन इस बार ये खुलकर सामने आया। लेकिन क्या सिर्फ ये कह देने से कि सब एकजुट हैं और मिलकर सरकार चलाएंगे ये मुमकिन हो पाएगा? क्योंकि देखिए, ये जब से कांग्रेस की सरकार राजस्थान में आई है, ये प्रश्न तो डे वन से बना हुआ है और अभी भी बरकरार है। अंकित, धन्यवाद आपका, ब्रह्म प्रकाश आपका भी। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़
app available on Google Play and App Store. Download it now.